हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मिलिट्री इंजीनियर सर्विस नई भर्ती 2024 के बारे में, जिसकी एक नई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम मिलिट्री इंजीनियर सर्विस नई भर्ती 2024 डिटेल्स चेक करेंगे। अगर हम कंट्री नेम की बात करें तो इंडिया रखी गई है, यानी इंडिया के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें, यानी ऑर्गेनाइजेशन नेम की, तो मिलिट्री इंजीनियर सर्विस यानी मेस की तरफ से, मेस आर्मी की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। अगर हम पोस्ट नेम की बात करें तो हमारा पोस्ट नेम ग्रुप सी पदों के लिए भर्ती रखी जाएगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो हमारा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 41,822 प्लस पद आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म 2B रिलीज पे रखा गया है। मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा कि इसकी ऑफिशियल डेट कब रखी जाएगी। अगर हम आर्मी मेस नई भर्ती 2024 पोस्ट डिटेल चेक करें तो सबसे पहले अगर हम मेट की बात करें तो मेट के लिए 27,920 वैकेंसी रखी गई है। अगर हम मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS की बात करें तो 11,316 वैकेंसी, और स्टोर कीपर की बात करें तो 1,026 वैकेंसी। ड्रग मैन की बात करें तो 944, आर्किटेक्ट के लिए 44 वैकेंसी, और स्टोर ऑफिसर के लिए 120 वैकेंसी रखी गई है। सुपरवाइजर की बात करें तो 534। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 41,822 वैकेंसी रखी गई है। अगर हम आर्मी मेस नई भर्ती 2024 एज लिमिट की बात करें तो सबसे पहले मिनिमम एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल तक रखी गई है। यानी 18 साल से लेकर 25 साल तक के सभी कैंडिडेट्स इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आपको एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग। एससी एसटी कैंडिडेट्स की बात करें तो 5 साल, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की छूट दी जाएगी। अगर हम आर्मी मेस नई भर्ती 2024 सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, यानी स्क्रीनिंग, हमारा डॉक्यूमेंट की, हमारी डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग टेस्ट की जाएगी। उसके बाद हमें रिटन एग्ज़ाम देना है, उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम, उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। अगर हम आर्मी मेस नई भर्ती 2024 सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले पार्ट में हमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए देखने को मिल जाएगी। सेकेंड पार्ट्स में हमें जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हमें नंबरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन, स्पेशलाइज्ड टॉपिक के 50 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगी। अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 125 क्वेश्चन 125 मार्क्स के लिए रखी जाएगी। अगर हम आर्मी मेस नई भर्ती 2024 इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मेस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज डेट की बात करें तो ये वैकेंसी आपको 17 जुलाई 2024 को देखने को मिल जाएगी। अगर हम ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट की बात करें, 2B नोटिफाइड सून पे रखी गई है, ये वैकेंसी आपको 17 जुलाई 2024 को देखने को मिल जाएगी। अगर हम मेस रिक्रूटमेंट 2024 लास्ट डेट की बात करें तो हमारा लास्ट डेट अगस्त महीने में रखी जाएगी। अगर हम एप्लीकेशन कोरिलेशन डेट की बात करें तो 2B नोटिफाइड सून पे रखा गया है। अगर हम एग्जाम डेट की बात करें तो हमारा एग्जाम डेट भी अभी 2B नोटिफाइड सून पे रखा गया है। अगर हम आर्मी मेस नई भर्ती 2024 पोस्ट नेम और सैलरी और पे स्केल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पोस्ट नेम की बात करें तो ग्रुप सी पदों के लिए भर्ती निकाली जाएगी। अगर हम सैलरी की बात करें तो 56,100 रुपये से लेकर 177,500 रुपये तक पर मंथ रखी जाएगी। अगर आप भी आर्मी मेस के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड करा दिया है। और भी इसकी कोई नई अपडेट आती है तो मैं इसकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।